हेलो एवरीवन, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरजी ते। दोस्तों, अज दी वीडियो तुहाडे लई बहुत खास होने वाली है क्योंकि अज दी वीडियो च आपां फिजिक्स दे इंपोर्टेंट चैप्टर मैगनीटिज़म विचों मैगनैटिक सबसटांस नूं ट्रिक दे नाल याद करांगे। मैगनैटिक सबसटांस विच आपां प्रतिचुंबकी पदार्थ, अनुचुंबकी पदार्थ ते लोह चुंबकी पदार्थ किहड़े हुंदे ने, इन्हां सारिआं नूं आपां इक ट्रिक दे नाल याद करांगे। हाँ जी, अज की इस ट्रिकी वीडियो आप प्रतिचुंबकी पदार्थ केड़े होंगे ने, लोह चुंबकी पदार्थ केड़े होंगे ने, ते अनुचुंबकी पदार्थ केड़े होंगे ने, इन सारियां नूं आपां इक ट्रिक दे नाल याद करांगे। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करन तो पहला एक रिक्वेस्ट हैगी है, जेकर तुसीं साडे चैनल ते फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना तां जो तुहानूं साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन जिहड़ी टाइम नाल मिलदे रहे। हाँ जी, स्टार्ट करते हाँ। सब तो पहला पढ़ते हाँ प्रतिचुंबकी पदार्थ बारे की होंगे ने। प्रतिचुंबकी पदार्थ वो पदार्थ जिहड़े चुंबकी खेत्र विच रखे जाण ते चुंबकी खेत्र के उल्ट दिशा विच खिंचे जांदे हन। फिर तो रिपीट कर देने हां जी, प्रतिचुंबकी पदार्थ वो पदार्थ जिहड़े चुंबकी खेत्र विच रखे जाण ते चुंबकी खेत्र के उल्ट दिशा विच खिंचे जांदे ने, उन्हां नूं प्रतिचुंबकी पदार्थ कहिंदे ने, जिवें कि जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि। हाँ जी, नैक्सट दिता होया है लोह चुंबकी पदार्थ, वो पदार्थ जिहड़े चुंबकी खेत्र विच रखे जाण ते चुंबकी खेत्र की दिशा वल खिंचे जाते हैं, उन्होंने की कहते हैं लोह चुंबकी पदार्थ। एग्जाम्पल दे जिमें लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। नैक्सट पढ़ते हैं जी, नैक्सट दिता है अनुचुंबकी पदार्थ या फिर पैरा मैगनैटिक पदार्थ, वो पदार्थ जेडे चुंबकी खेत्र विच रखे जाते चुंबकी खेत्र की दिशा विच थोड़े जे खिंचे जाते हैं, उन्होंने की कहा जाता है अनुचुंबकी पदार्थ या फिर पैरा मैगनैटिक पदार्थ। फिर तो रिपीट कर देने कि वो पदार्थ जिहड़े चुंबकी खेत्र विच रखे जाते चुंबकी खेत्र की दिशा विच थोड़े जिहे खिंचे जाते हैं, जिमें ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एलूमीनियम आदि। हुण आपां इन्हां सारिआं नूं ट्रिक दे नाल याद किवें कर सकते हैं वेखदे हां। हाँ जी, सब तो पहला अपनी ट्रिक हैगी है प्रतिचुंबकी पदार्थ नूं याद करन दे लई। ट्रिक की हैगी है जी, जिन के प्रतीक ने जन्म तक सोचा। फिर तो रिपीट कर देने, जिन के प्रतीक ने जन्म तक सोचा। इस ट्रिक दे विच ही प्रतीक ना दिता है, इस तो पता लग जाता है कि यह प्रतिचुंबकी पदार्थ बारे दिती हुई है। हाँ जी, किवें इस तो बना सकते हैं आपां, फस्ट की दिता है जिन के तो जिंक, प्रति तो प्रतिचुंबक जिहड़ा आपां नूं याद करना है प्रतिचुंबक बारे दिता होया, कक्के तो कॉपर, जज्जे तो जल, ते नम तो नमक, तक तो तांबा, सो तो सोना, ते चै तो इतने साइलेंट दिता हुआ जी, चै तो चांदी। फिर तो रिपीट कर देने, ट्रिक की दिती हुई सी जिन के प्रतीक ने जन्म तक सोचा। हाँ जी, ट्रिक दो तीन बार तुसी पढ़ लेनी है, फिर तो रिपीट कर देने, जिन के प्रतीक ने जन्म तक सोचा। हुण ट्रिक दे विच ना दिता हुआ जी प्रतीक, इस तो आपां नूं याद रखना जी प्रतिचुंबक बारे दिता हुआ है। हाँ जी, सब तो पहला जिन तो जिंक, प्रति तो प्रतिचुंबक, ते कै तो कॉपर, जै तो जल यानी कि पानी, नम तो नमक, तक तो तांबा, ते पिछे वर्ड दिता जी सोचा, सोचा तो सो तो सोना, ते चै तो जड़ा चांदी। इस तरह आपां प्रतिचुंबकी पदार्थ नूं ट्रिक दे नाल याद कर सकते हैं। नैक्सट आपां चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट दिती हो जी लोह चुंबकी पदार्थ नूं आपां किस तरह ट्रिक दे नाल याद कर सकते हैं, की ट्रिक दिती हुई है, इस लोह को निकालो। फिर तो रिपीट कर देने, ट्रिक की हैगी है इस लोह को निकालो। हुण जी देखो तुसी ट्रिक दे विच ही लोह वर्ड तो दिता है जी, लोह तो आपां याद करना जी लोह चुंबकी पदार्थ वर्ड दिती हुई है, इस तो इस्पात, लोह तो लोह चुंबकी पदार्थ, को तो जी की हैगा कोबाल्ट, निकालो वर्ड तो निका तो निकल, ते लोह तो लोहा। फिर तो रिपीट कर देने, ट्रिक हैगी जी इस लोह को निकालो। हाँ जी, इस तो की बन गया इस्पात, लोह तो लोह चुंबकी पदार्थ जिहड़ा आपां नूं याद करना है कि लोह चुंबकी पदार्थ बारे दिता हुआ है, को तो कोबाल्ट, निकालो विचों निका तो निकल, ते लोह विचों लोहा। इस तरह आपां लोह चुंबकी पदार्थ नूं आसानी नाल याद कर सकते हैं। नैक्सट ट्रिक वल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट दिती हुई है अनुचुंबकी पदार्थ नूं याद करने वाली ट्रिक, की ट्रिक हैगी जी अनु आप कम सोए हो। फिर तो रिपीट कर देने, अनु आप कम सोए हो। हाँ जी, पहला वर्ड है अनु, अनु तो आप याद करना जी अनु चुंबकी पदार्थ बारे ये ट्रिक हैगी है।
ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਅਣੂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਣੂ ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ। ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ। ਪੈ ਤੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰੋਮੀਅਮ। ਸੋਏ ਤੋਂ ਸੋ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਏ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਅਨੂ ਆਪ ਕੰਮ ਸੋਏ ਹੋ। ਅਨੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਅਨੂ ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਐ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਪੈ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰੋਮੀਅਮ। ਸੋ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ। ਏ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੰਬਕ ਬਾਰੇ, ਅਨੂ ਚੁੰਬਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹ ਚੁੰਬਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।